भाई ये चड्डी तो फटी हुई है। पता है मुझे, मैंने ही फाड़ी है, स्टाइल है वो मेरा। नहीं भाई, ऐसा फटी हुई चड्डी का कोई स्टाइल नहीं है मार्केट में। क्यों क्यों नहीं हो सकता? कल मॉल में गया था तो वहाँ मैंने देखा एक फटी हुई जींस है। मैंने सेल्समैन को पूछा, ये जींस फटी हुई है, इसे निकाल दो, तो बोलता है स्टाइल है। स्टाइल? अरे घंटा स्टाइल। जब कोई भिखारी अपनी फटी जींस फेंक देता है तो उसी जींस को धोकर ये मॉल वाले लोगों को 2-2 हज़ार में बेचते। चुतिया बना के रखा है इन मॉल वालों ने, और भी कई बक्चो दिया इन लोगों की। सुन, सबसे पहले बात करते हैं चेकिंग की। यहाँ मॉल में एयरपोर्ट से खतरनाक चेकिंग होती है। मैं कल चेकिंग के लिए गया, मुझे पकड़ा और वो छोटा सा चमकने वाला बैडमिंटन मेरे पूरे शरीर पे घुमाया। फिर पूछता है यहाँ क्या है, मैंने कहा बाबूराव है मेरा। बोलता है टीटी बजा, कुछ तो मेटल का होगा। हाँ लोहे का बाबूराव है मेरा, जेब में चाबी भी नहीं रखने देंगे अब। कुछ महाचालू लंड बुद्धि प्राणी होते, इनमें ज्यादातर लड़कियां शामिल होती है। ये लोग पहले तो महंगे महंगे कपड़े लेंगे, फिर चेंजिंग रूम में जाकर उन्हें पहनेंगे, फिर वहां सेल्फी खींचकर इंस्टा या एफबी पे डालेंगे, हैशटैग मेरा नया टॉप, हैशटैग मेरी नई जींस, हैशटैग चुतिया काटा। फिर वो कपड़े उतार कर वापस मॉल में रख कर घर चले जाएंगे। मतलब असली जिंदगी में बेईमानी तो मैंने कई बार देखी है, लेकिन बेंचोत सेल्फी में भी भ्रष्टाचार होने लगा है आजकल। माँ कसम इंसानियत पे से भरोसा पूरी तरह खत्म, खलास। देख, तुझे अगर शॉपिंग के लिए जाना है ना तो अकेला जा, या फिर अपने कुत्ते के साथ जा, लेकिन जिंदगी में कभी भी अपने दोस्त की शॉपिंग के लिए मॉल नहीं जाने का। इन हरामियों को लेनी होती है सिर्फ एक पैंट। एक पैंट को लेने के लिए यह हमें 10 दुकानों में लेके जाएगा, 10 बार ऊपर नीचे करवाएगा, फिर 200 पैंट चेक करेगा, उसमें से 15 सिलेक्ट करेगा, वो 15 पैंट लेकर हमें चेंजिंग रूम के बाहर आधा घंटा खड़ा करवाएगा, फिर आखिर में बोलेगा यहाँ कुछ मजा नहीं आया, दूसरे मॉल में चलते। अबे गरीबों के ऋतिक रोशन, पिछले 4 घंटे से घुमा रहा है, ना कुछ खिलाया ना पानी पिलाया, 2 घंटे से सुसु लगाए, हाथ में 15 जींस थमाकर खड़ा करवाया मेरे को, अंदर आधे घंटे से पैंट के साथ क्या कबड्डी खेल रहा था। वैसे पैंट पहननी क्यों है तुझे, नंगा घूम। वैसे भी मैकेनिकल में है, कौन सी लड़की देखने वाली है बंदर जैसी शक्ल अपनी, भालू जैसे तो बाल है तेरे पैरों के, इसको इस्त्री कर सीधे हो जाएंगे, एकदम काली जींस पैंट लगेगी। अगर कलर वाली चाहिए तो डाई करवा ले रोज, अगर दूसरे मॉल का नाम लिया तो तेरी गांड में सिगरेट भुजा दूंगा कुत्ते। जब तू मॉल की किसी भी दुकान में जाएगा ना, अंदर जाते ही एक चंपू शक्ल वाला लौंडा हंसते हुए आपके पास आएगा, बोलेगा बोलिए सर क्या दिखाऊं आपको। नहीं नहीं मैं खुद देख लूंगा। सर आप पर ये गुलाबी शर्ट बहुत सूट करेगा, ले लीजिए। नहीं मुझे गुलाबी शर्ट पसंद नहीं। सर इसके साथ आपको एक गुलाबी रुमाल फ्री में मिलेगा। नहीं लेना, मुझे गुलाबी रुमाल भी नहीं चाहिए। सर इसके साथ आपको एक गुलाबी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला कंडोम भी मिलेगा, इसके क्वालिटी की गारंटी मैं देता हूँ, खुद 2 बार यूज किया है मैंने। अबे पागलगांड, मुझे गुलाबी शर्ट रुमाल कंडोम लौड़ा लसन कुछ नहीं चाहिए, मेरा पीछा छोड़ और अपना लोड़ा मोड़। मॉल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ऑफर्स बहुत रखते हैं। इनकी ऑफर्स सुनकर मुंह में पानी आ जाता है, रियलिटी देखकर वही पानी गांड से टपकता है। बाय वन गेट वन फ्री, 2000 की एक जींस खरीदो उसके साथ और एक जींस फ्री, हमें लगता है अच्छा है मस्त ऑफर है ले लेते हैं, और ऑफर खत्म होने के बाद वही जींस 500-500 रुपए में दिखाई देती है। तब पता चलता है कि पूरे 1000 रुपए का गंदा वाला चुटिया काटा है इन्होंने हमारा। मैंने एक ऑफर देखा था सैमसंग गैलेक्सी S7 के साथ बाय वन गेट वन फ्री। मैं मॉल में गया और वो फोन लिया, उसने मेरे एक हाथ पे स्मार्टफोन रखा और दूसरे हाथ में नोकिया 3310। मैंने पूछा ये क्या है, बोलता है एक फोन के साथ दूसरा फोन फ्री। मैं जो ऐसा लगा शादी हुई बीबी के साथ और सुहागरात में पता चला ये बीबी नहीं बाबा है। और जब उसके घर वाले से पूछा कि ये क्या है तो बोलते आउटगोइंग के साथ इनकमिंग फ्री। सर इसके साथ आपको ये गुलाबी पैंटी भी फ्री में मिलेगी। अबे गुलाबी गांड। I have you now.